सीधी तस्वीरें दिखाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त विनेश फोगाट के घर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा साथ में मौजूद हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस वक्त विनेश फोगाट के घर पे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिलने के लिए पहुंचे हैं। बता दें कि गोल्ड से कुछ ही कदम दूरी पर विनेश फोगाट रह गई हैं, डिस्क्वालिफाई हो गई हैं, उन्हें खेलने का मौका भी नहीं मिला है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में विनेश फोगाट का सपना टूट चुका है, डिस्क्वालिफाई होने के चलते उन्हें सिल्वर मेडल भी नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है उसके बाद पूरा देश सदमे में है, तमाम नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और हर कोई यही कह रहा है कि विनेश हम तुम्हारे साथ हैं। अब साथ ही साथ में ये तस्वीरें सामने आई हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस वक्त विनेश फोगाट के घर पे मौजूद हैं, उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचे हैं जिन्होंने विनेश फोगाट को ट्रेनिंग दी, विनेश फोगाट जो आज है उन्हें बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। पहलवान विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो गई हैं और 50 किलोग्राम की फ्री स्टाइल महिलाओं की कैटेगरी में विनेश फोगाट 50.1 किलोग्राम पाई गई, यानी कि 100 ग्राम मात्र ज्यादा वजन होने के चलते उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है। आज वो गोल्ड के लिए नहीं खेल पाई है, मैच से ठीक पहले उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। बता दें कि मैच के पहले और मैच के बाद में वजन किया जाता है और अगर खिलाड़ी उसमें अयोग्य घोषित होता है या फिर कैटेगरी में जो निर्णय या फिर फाइनल वेट है वो तय मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित किया जाता है। विनेश फोगाट के साथ आज यही हुआ है। कल सेमीफाइनल्स का मुकाबला खेलने के बाद विनेश फोगाट आज फाइनल का मुकाबला खेलने वाली थी लेकिन मैच से ठीक पहले उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा आया है 50 किलोग्राम की कैटेगरी में और ऐसे में उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। तस्वीरें पंजाब के मुख्यमंत्री की सामने आ रही हैं जहां पर चरखी दादरी पहुंचे हुए हैं विनेश फोगाट के घर पे उनके परिवार वालों से मिलने के लिए। विनेश फोगाट इस वक्त पेरिस में ही मौजूद है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सियासतदानों के भी इस वक्त बयान सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृहमंत्री अमित शाह ने, सभी ने ट्वीट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके खेद व्यक्त किया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता पुष्पेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, फिलहाल क्या तस्वीरें और परिवार वालों का ढांढस बंधाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, क्या बातचीत? जी देखिए, यहाँ शिवांगी, यहाँ पे सीएम भगवंत मान पहुंचे हैं और महावीर जी से बात कर रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे ग्रामीणों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी रोष है क्योंकि यहाँ पे जश्न की तैयारियां चल रही थी और खुशियां जो है एकदम मातम में बदल गई। तो कहीं ना कहीं पूरे बलाली गांव का ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का ही दिल टूटा हुआ है। और अगर हम बात करें यहाँ पे महावीर फोगाट जी, उनके ताऊ जी हैं, उनको इस विनेश फोगाट से काफी आस थी कि ये गोल्ड मेडल लेके आएगी विनेश और मुझे गीता बबीता से ज्यादा विनेश पे भरोसा है। उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा जा रहा है ये विनेश के खिलाफ क्योंकि उसको ज्यादा खिलाया गया है, ज्यादा पिलाया गया है, उसकी वजह से उसकी तबीयत भी खराब हुई है। तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है शिवांगी। यानी कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि कोई मांगे इस दौरान इस पूरे जो फैसला लिया गया पेरिस ओलंपिक्स में उसके खिलाफ भारत सरकार से कोई मांग की, इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, कोई मुद्दा उठाया जाए? जी देखिए, यहाँ पे उनका साफ साफ कहना है शिवांगी कि इन ये जो है फेडरेशन है इसका बहिष्कार किया जाएगा, यदि निष्पक्ष निर्णय नहीं हुआ तो इसका बहिष्कार किया जाएगा। और यहाँ पे जो ब्रजभूषण है उनके खिलाफ भी ग्रामीणों में काफी रोष है क्योंकि इनका भी कहना है कि ब्रजभूषण ने कहा था कि विनेश चला हुआ कारतूस है, अब इसका कोई वजूद नहीं है और ये न गोल्ड मेडल जीत सकती और न ही हम इन्हें कोई भी मेडल लेके नहीं आने देंगे और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र भी बताया जा रहा है। यानी कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पुष्पेंद्र, इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है, उनसे बात हुई? उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यहाँ पे भिवानी की धरती, भिवानी और चरखी दादरी की धरती में सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी हैं और सबसे ज्यादा आर्मी में भी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये अग्निवीर स्कीम लागे खिलाड़ियों जो जिस तरह से धरने पर बैठे थे तो कहीं ना कहीं नौजवानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और जहाँ भी
इनकी मदद चाहिए होगी, वो महावीर जी के साथ और विनेश फोगाट के साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पुष्पेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।